ब्रायलर और अंडों की कीमत काबू में ना आ सकी। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर हुई है। मुर्गी का गोश्त 11 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 501 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में 7 रुपये फी किलो कमी की गई, जबकि जिंदा ब्रायलर होलसेल 322, परचून रेट 334 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे के रुपये फी दर्जन महंगे, कीमत 306 रुपये हो गई है। अंडों की पेटी 9060 रुपये में फरोख्त होने लगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमे में जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है, और एक कमी की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की कुव्वत खरीद में नहीं आ सका है। यही वजह है कि ब्रायलर की खपत जो है मार्केट में कम हो रही है, जिसकी वजह से कीमतों में बेहतरी आ रही है। 11 रुपये सस्ता करके ब्रायलर आज 501 रुपये की किलो मुकर्रर किया गया, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 7 रुपये तक कमी जो है वो की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 322, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 334 रुपये प्रति किलो मुकर्रर की गई है। तहम दूसरी जानी मंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है रुक नहीं सका, और रोजाना के बुनियाद पर 1 रुपया प्रति दर्जन कीमत बढ़ रही है। आज भी 1 रुपया भी बढ़ाकर 306 रुपये प्रति दर्जन सरकारी दर में कीमत मुकर्रर की गई, और होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी जो है 9060 रुपये की मुकर्रर की गई है। तहम मार्केट में जो अंडे हैं वो 325 रुपये प्रति दर्जन तक फरोख किए जा रहे हैं। उस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जैसे मौसम में तब्दीली आई है और जो गर्मी का जोर टूटा है, उसके बाद अंडों की खपत जो है बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही माफिया की जानेब से अंडों की कीमतों में इजाफा जो है मुसलसल किया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर 1 रुपये प्रति दर्जन का इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में अंडों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।